हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी मैं हूँ इस वाले रूम में, खुद को लॉक करके ये व्लॉग बना रहा हूँ। मैं दिखा सकता हूँ, देखो क्यों? क्योंकि अभी जस्ट एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है और बहुत प्राउड वाली चीज़ पता चली है कि अभी अभी इंस्टाग्राम पे माय के 400K फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, जो कि काफ़ी लेट हो चुका है मैं जानता हूँ, बट वो वेल डिज़र्व है। वो जितने टाइम से वो काम कर रही है, मेरे को लगता है कि उसे उसके 4 मिलियन हो जाने चाहिए थे, बट उसने ये सब चीज़ों को लेके बहुत सफ़र किया है। और वो 4 मिलियन और 4 लाख में कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए और उसके लिए भी, क्योंकि एक एक फॉलोअर्स और एक एक लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसने जिस तरीके से हार्डवर्क किया, उसने जो कुछ भी सफ़र किया है उसको लेकर, वो कब का बहुत आगे बढ़ चुकी होती, बट बहुत रुकावटें आई है, फिर भी वो उसने अभी तक कंटिन्यू रखा है। तो बात मुद्दे की ये है कि अभी हुए उसके 4 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट, अभी भी वो शॉर्ट्स बना रही है बाहर और मैं रूम में आ गया हूँ। बट हाँ, कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बट मैंने सोचा है कि उसे एक सरप्राइज केक कटिंग कराएंगे। तो कहीं वो सुन तो नहीं रही है, देखा तो उनको। क्या कर रही हो तुम? क्या ऊपर है? उसे ऊपर है, उधर उधर। बाय बाय। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, जनरली उसे कुछ भी नहीं पता है कि अभी वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि अभी हम लोग है कहीं और पे, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ उसे एक छोटा सा सरप्राइज करेंगे शॉर्ट्स बनाने के लिए। सुबह से हम लोग काम कर रहे हैं, बट अभी हो जाएगा कुछ 8:30 बज जाएंगे, तो मैं जाऊंगा उसके लिए एक छोटा सा केक लेके आऊंगा और उसे सरप्राइज करूंगा एक केक के थ्रू। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बट हाँ वो थोड़ा सा तो खुश ज़रूर होगी और सरप्राइज होगी। तो आगे का व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। आई थिंक ये व्लॉग थोड़ा छोटा होगा, बट हाँ मेमोरेबल होगा मेरे लिए और उसके लिए भी शायद। ठीक है, तो व्लॉग को करते कंटिन्यू, पूरा देखना कैसे वो सरप्राइज होगी और क्या होता है आगे व्लॉग में, देख के जाना। ठीक है, तो अभी हम लोग निकल गए। हम दोनों जन अभी अभी जस्ट नीचे आए क्योंकि वो अभी बेचारी रोटी बना रही है हम लोग के लिए। अभी कुछ दिन पहले सोचो 3 मिलियन शॉर्ट्स पे हुए थे, वो तो खैर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, बट जैसे कि मैंने बताया इतने सारे इश्यूज, क्या क्या फेस करना पड़ता है एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारे आस पास रहते हैं उन सबको पता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो ये छोटा सा खुशी डिजर्व करती है। तो अभी हम लोग जाएंगे दोनों जन, एक छोटा सा केक लेंगे और केक लेके जाएंगे घर पे। उसको पता नहीं है, रोटी बना रही बेचारी, केक काटेंगे, थोड़ा सा एक हैप्पी मोमेंट होगा और उसे मैं कैप्चर कर लूँगा बस, और ये ब्लॉग में अपलोड हो जाएगा ताकि आप सबको भी देखने मिल जाए। तो आगे देखते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, घर पर जाते हैं उसका क्या रिएक्शन रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, क्या बोली? टेबल की रखोगे? केक कहाँ है? छुपाए रहोगे? किधर है? मुझे क्या पता, रोटी बनाओ चुपचाप, समझी नहीं। छुपा दिया, छुपा दिया, चलो अब आ जाओ, मालूम पड़ गया है तो। जो तुम ना एक नंबर की डायन हो ना, तो क्या करते हम लोग पता नहीं क्या, सरप्राइज और प्रोजेक्ट का गेम खेलते नहीं, टेबल लेके आ गए सामने, क्या कर रहे हो? शॉर्ट्स बनाने वाले हैं नहीं, ऑफिस का सीन बनेगा नहीं। वेरी गुड माई, थैंक यू बर्बाद करने के लिए। एक काम करो, सुनो तुम ना अभी ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमको नहीं मालूम है। हाँ, रोटी बनाते बनाते तुमको मैं देखा, प्रैंक नहीं सरप्राइज, प्रैंक है तुम्हारे लिए। हाँ, तुम लोग इतना टाइम क्या कर रहे थे नीचे? अरे कंटिन्यू है क्या? हाँ, हाँ चलो, क्या कर रहे थे नीचे? अरे हम लोग गए थे वही भाजी लाने के लिए, टमाटर लेके आए ना इसके लिए, देखो इधर रखा हुआ है, जरा तुम मेरे साथ में चलो ना एक मिनट इधर, अरे रोटी जल जाए ना, अरे चलो तो नहीं चलेगा, गैस बनना, गैस बंद कर दो, ये तवा को लकवा मारेगा, अभी नया तवा है ना तो उस पर सब रोटी जलेगा।
जलेगा नहीं, तुमको बनाना नहीं आता। वो सामने वाली दीदी लो, देखो मैं भी हाथ में कुछ नहीं लगाया, मैं भी हाथ से। गाइस प्राउड, आई एम वेरी मच प्राउड। गैस बंद हो गया, चलो चलो कम आई। वेरी मेहनती, वेरी टैलेंटेड। वाओ माई, वाओ, आओ माई। ये तुम्हारे 5 साल के 5 कदम है यहाँ तक आने के लिए, सोचो। यूट्यूब पे ध्यान नहीं देती नहीं गाइस, देखो जेन्युइनली हम दोनों माई को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज्यादा उसी के प्राउड करते हैं और बहुत ज्यादा सच भाई तुम्हारे सामने तारीफ नहीं करते। चलो ठीक है, आज तुम्हारे सामने तारीफ कर देते, तुमसे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बट पहले मैं बोलूंगा, मेरी बारी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं स्टार्टिंग से लेके स्कूल डेज से लेके कॉलेज तक और अभी तक यहाँ तक, इससे ज़्यादा मैंने फैमिली वैल्यूज़ है इसके अंदर, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर हार्डवर्क है, हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, जो मेरे से भी ज़्यादा है मैंने हमेशा देखा है। गुस्सा और गुस्सा है और चिड़चिड़ी है और कैरिंग है, एटीट्यूड भी है थोड़ा बहुत, पर ऑल ओवर ये मिक्सर है और ये बहुत अच्छी है। और ये सबसे बड़ी, मैंने अभी कैमरे के पहले ही बता चुका, अगर ये 5 साल में अगर ये कम से कम 50 साल बीमार नहीं हुई रहती तो ये 400K के जगह 400 लाख होता, 4 मिलियन होता था। मेरे को ये मेरा बिलीव है, बाकी कोई माने ना माने, भाड़ में जाओ तो माई तुमसे तो तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। और तुमको ऐसा लगता है कि तुम किसी से पीछे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा आगे हो, सबसे आगे हो। आप क्या बोलना चाहोगे? और रोटी बनाते बनाते देखो इस तरीके से रोटी बनाई है। अब भाई तारीफ करेंगे तुम्हारी, चलो जो वो हमेशा चाहती है तारीफ करो उसकी। तारीफ करो, चलो मेरी पूरी फैमिली कभी नहीं बोलती, ये सबसे प्यारी है और मेरी बेटी है ये, सबसे छोटी वाली, सबसे लाडली भी यही है और रोतली भी है। अरे तारीफ करना है, काम चीज यही है, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है, इसके सिवा और कोई नहीं है। झाड़ू मारना पड़ेगा माँ कसम, अरे बहुत हवा आएगा माई, झाड़ू मारना पड़ेगा। लाइटर का है भाई, अरे जल रहे माई, रिकॉर्ड हो गया। चलो काटो जल्दी, अरे 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 कांग्रेचुलेशन माई, कांग्रेचुलेशन माई। उससे किसका बर्थडे है? गम ये लो माई, तो सबको थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच एवरीवन, इंस्टाग्राम पे 400K करने के लिए, फेसबुक पे भी 400K है, तो दोनों इक्वलिटी है, बट फेवरेट फेसबुक पर 4,18,18 है ना। जो भी सब सब चीज के लिए थैंक यू सो मच। इतने साल से आप लोग मेरे साथ हो, शायद 5 साल 6 साल मुझे तो याद भी नहीं है, पर कुछ फैंस मतलब कुछ फैम ऐसी फैमिली है मेरे साथ कि वो बहुत दूर तक सफर तक मेरे साथ चली है और आज तक उनको मेरे कुछ वीडियोस के एक्ट डायलॉग याद है, जो आज भी उन लोग मेरे को नॉर्मल मैसेज करते कमेंट करते। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। लव यू ऑल, जल्दी मिलेंगे 4 मिलियन रुपये, ठीक है है ना। तो गाइस ब्लॉग को करते ही एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वन मोर टाइम कॉन्ग्रेचुलेशन टू माही, ना सिर्फ कैमरे के सामने कैमरे के पीछे भी, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हो और हमारे लिए तुम बहुत अच्छी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड बाय।